नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रतम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भारत में मदरसों को लेकर सरकार का उद्देश्य अब साफ होने लगा है। दरअसल केंद्र और कुछ राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि इन मदरसों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में आतंक का जहर घोलने की तैयारी चल रही है। पांच जन की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आतंकी नेटवर्क स्थापित करने का खतरनाक मंसूबा लेकर आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB सक्रिय हो गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मदद से JMB बंगाल के कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर नजर रख रहा है। भारत की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इन स्थानों पर JMB आतंकी मॉड्यूल तैयार कर रहा है और अपने आतंकी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर के साथ असम में बिरपेटा, नलबाड़ी, धुबरी जिले को मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि इन जिलों में पहले भी JMB ने आतंकी मॉड्यूल बनाए थे जो अब सक्रिय नहीं है, लेकिन आतंकी संगठन JMB को इन्हें फिर से सक्रिय करने का निर्देश मिला है, जिसे लेकर भारतीय खुफिया एजेंसी ने हाल ही में राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स को इस बारे में सतर्क किया है, जिसके बाद पूरे राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि इस आतंकी संगठन JMB के आतंकी सदस्य छोटे समूहों में गैर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों से संपर्क कर उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इन संस्थानों में ये शिक्षक छात्रों के जहन में आतंकवादी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं, यानी बच्चों के मन मस्तिष्क में शुरुआत से ही आतंकवाद खोला जाए ताकि कल को बड़े होकर यही बच्चे पत्थरबाजी करें, जगह जगह बम फोड़े, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दें। पिछले दिनों भी इसी तरह से JMB ने कई जगहों पर गुप्त शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की थी, जिसमें छात्रों को गुमराह किया जाता था, जिन्हें जिहाद जैसी पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। तभी तो सरकार सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का रजिस्ट्रेशन चाहती है। इसके अलावा ISI की ओर से JMB के आतंकी सदस्यों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। ISI का उद्देश्य है कि JMB आतंकी इस क्षेत्र में गुप्त रूप से नेटवर्क का विस्तार कर सके और भविष्य में बड़े हमले के लिए प्रशिक्षित हो। बताया जा रहा है कि आतंकी संगठन JMB के नए सदस्यों को पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर बनाए जाने की संभावना है, जहां इन नए सदस्यों को विस्फोटक बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। भारतीय खुफिया एजेंसी के अनुसार JMB के आतंकी अब भी बड़ा बांग्लादेश बनाने के सपने को लेकर सक्रिय है, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने की योजना है। केंद्र सरकार की एजेंसियां JMB के इस साजिश को नाकाम करने के लिए पुराने स्लीपर सेल के सदस्यों पर नजर रख रही है और राज्य पुलिस के सहयोग से सतर्कता बरती जा रही है। राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से खतरनाक आतंकी मंसूबे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि JMB का नेटवर्क बंगाल में फैलने से रोका जा सके। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।